क्या होगा अगर तुम एक ऐसे आइलैंड पे स्पॉन हो जाओ जहाँ पर सिर्फ एक पेड़ है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है और दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है। क्या तुम ऐसे आइलैंड पर सर्वाइव कर पाओगे? आंसर है पता नहीं, बट डोंट वरी, तुम्हें आंसर मिल जाएगा क्योंकि इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे एक सर्वाइवल आइलैंड पर 100 डेज सर्वाइव करने की, और वो भी हार्डकोर मोड में। और इस वीडियो में हमारे साथ काफी सारी एपिक चीजें हुई, तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखना। एंड या एंजॉय द वीडियो। गेम शुरू होते ही सबसे पहले हमने पेड़ काटा और उनसे हमें मिले कुछ वुड्स। वुड्स की मदद से हमने बना ली अपने लिए कुछ टूल्स। उसके बाद हमने अपने आप को स्टोन में अपग्रेड किया। माइनिंग से हमें जो स्टोन मिले थे उनसे हमने बना लिया स्टोन के कुछ टूल्स। उसके बाद हमने इस प्यारे से सनसेट को एंजॉय किया। उसके बाद फिर से हमने कुछ वुड काटे और उनसे कुछ सैपलिंग मिली थी, उसको हमने वापस से प्लांट कर दिया। तो खाने का हमारे पास कोई फूड सोर्स नहीं था, तो उसके लिए हम चले गए मछलियां मारने। उसके बाद हम बेस में वापस आ गए और कुछ फर्नेंस बनाए। उसके बाद सुबह हो गई थी, तो आप प्यारी सी सुबह को एंजॉय करो। उसके बाद हम चले गए केव में माइनिंग करने के लिए। उसके बाद हमने कुछ आयरन कलेक्ट किए और आयरन को स्मेल्ट करने के बाद हमने बनाई एक शील्ड। उसके बाद हमने बहुत दिनों तक सिर्फ आयरन ही कलेक्ट किया। और फिर फर्नेस बनाकर सभी आयरन को स्मेल्टिंग पे लगा दिया। आयरन स्मेल्ट हो जाने के बाद हमने अपने लिए बनाए आयरन के कुछ आर्मर्स और आयरन के कुछ टूल्स। तो गाइस अभी हम कवर है फुल सेट आयरन आर्मर में। उसके बाद माइनिंग करते हुए हमें दिखा अपने वर्ल्ड का पहला डायमंड, तो हमने जल्दी से डायमंड को कलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने अपनी माइनिंग कंटिन्यू रखी और हमें बहुत सारा सामान मिल रहा था। तो हम माइनिंग कर ही रहे थे तभी हमें देखी एक लस्क केव, तो वहां से हमने जल्दी से सभी के सभी बेरीज और सीड्स को कलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम चले गए थे अपने बेस में वापस, और बेस में वापस आकर हमने अपने सारे के सारे सामान को चेस्ट में ट्रांसफर कर दिया। तो उसके बाद हमारा बेस दिखने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसके बाद हमने सभी एरिया को फ्लैट कर दिया। तो अभी हमारा बेस पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद हमने कुछ वुड काटे। बहुत दिनों तक वुड काटने के बाद हमने अपने लिए बनाया एक सिंपल सा वुड फार्म। उसके बाद हम चले गए माइनिंग में स्ट्रिंग कलेक्ट करने के लिए, और रास्ते में मुझे दिखी एक माइनशाफ्ट, तो माइनशाफ्ट में जाकर हमने बहुत सारे स्ट्रिंग को कलेक्ट किया। स्ट्रिंग कलेक्ट करने के बाद हम बेस में वापस आ गए और हमने अपने लिए बनाए दो बेड। तो हमने अपने लिए एक वुड फार्म बना दिया है, तो अब बारी है एक फूड फार्म बनाने की, तो जल्दी से उसको बनाना भी स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमारे बेस में दो डॉग स्पॉन हो गए थे, तो जल्दी से मैंने उसको टेम कर लिया। उसके बाद हमें आगे के बिल्ड्स के लिए वुड चाहिए थे, तो उसके लिए मैं चला गया अपने वुड फार्म में और वहां से सारे के सारे वुड को कलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने सभी की सभी सैपलिंग को वापस से प्लांट कर दिया, क्योंकि वापस से वुड की हमें जरूरत पड़ेगी। तो अब बारी है अपने लिए डायमंड का आर्मर और डायमंड के टूल्स बनाने की। उसके बाद हमने अपने लिए बनाए डायमंड के फुल सेट आर्मर और टूल्स। तो गाइस अभी हम कवर है डायमंड के फुल सेट आर्मर और डायमंड के फुल सेट टूल्स में। तो अब हमारी सारी की सारी बेसिक चीजें हो गई है। तो गाइस अभी हम बनाने वाले हैं एक मॉब फार्म, तो उसके लिए हमें बहुत सारे स्टोन की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम चले गए माइनिंग में स्टोन कलेक्ट करने के लिए।
मैं स्टोन कलेक्ट कर ही रहा था तभी मुझे देखा एक जोम्बी स्पोनर। तो वहां पर जाकर मैंने सभी जोम्बी को मार दिया और वहां की चेस्ट चेकआउट की। तो पहली वाली चेस्ट में से मिले हमें कुछ आयरन और रेड स्टोन और दूसरी वाली चेस्ट में हमें मिल गया था अपने वर्ल्ड का सबसे पहला एंचेंटेड गोल्डन एपर और वो भी हार्डकोर वर्ल्ड में। बहुत सारे स्टोन को कलेक्ट करने के बाद हम आ गए थे अपने बेस में वापस और उसके बाद स्टोन की मदद से हमने अपने लिए बनाए बहुत सारे फर्नेस और उसमें अपने स्टोन को स्मेल्टिंग पे लगा दिया। स्टोन स्मेल्ट हो जाने के बाद हमने अपने मॉब फार्म का काम स्टार्ट कर दिया। तो गाइस हमारा मॉब फार्म बनके रेडी है और ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है और इसकी मदद से हमें मिल सकता है बहुत सारी एक्सपी और बहुत सारा सामान। उसके बाद रात हो गई थी तो हम सो गए और दूसरे दिन सुबह हम अपने बेस के पास वाले एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए चले गए। कुछ देर बाद हमें मिला है ग्रोइंग पोर्टल, तो वहां पर जाकर हमने उसकी चेस्ट ओपन की। उसमें से मिले हमें कुछ ऑब्सिडियन और फ्लिंट एंड स्टील। उसके बाद बहुत देर तक एक्सप्लोर करने के बाद हमें दिखा एक दूसरा ग्रोइंग पोर्टल और उस चेस्ट में भी कुछ खास सामान नहीं था। उसके बाद हम चले गए अपने बेस में वापस। उसके बाद हमें जो सामान मिला था उसको हमने अपनी चेस्ट में स्टोर कर दिया। उसके बाद हम चले गए अपने मॉब फार्म में एएफके करने के लिए। बहुत दिनों तक एएफके करने के बाद हमारे फार्म में एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो गया था, तो हमने जल्दी से उसको बोट में बिठा लिया। उसके बाद हमने बहुत दिनों तक और एएफके किया और दूसरा विलेजर भी स्पॉन हो गया था, तो हमने उसको भी बोट में कैप्चर कर लिया। तो फिर दोनों विलेजर्स को क्योर करने के लिए हम चले गए माइनिंग में लावा कलेक्ट करने के लिए। वाटर की मदद से हमने सभी लावा को ऑब्सिडियन में कन्वर्ट कर दिया और सभी ऑब्सिडियन को कलेक्ट कर लिया। ऑब्सिडियन को कलेक्ट करने के बाद हम बेस में वापस आ गए और जल्दी से हमने अपने लिए बनाया एक नेदर पोर्टल। तो उसके बाद हम चले गए अपने नेदर में। नेदर में जाने पर हमारा स्पॉन हो गया था एक बसल्ट वैली में। उसके बाद हमने वहां से गोल्ड और क्वार्ट्ज को कलेक्ट कर लिया क्योंकि उसकी मदद से हम पिगलिन से ट्रेड कर सकते हैं। बहुत दिनों तक पिगलिन से ट्रेड करने पर हमें उसने सिर्फ कचरा ही दिया था सिवाय फायर रेजिस्टेंस पोशन के। उसके बाद बसल्ट वैली में जाकर हमने कुछ ब्राउन मशरूम कलेक्ट किए और ब्राउन मशरूम कलेक्ट करते हुए मुझे दिखा नेदर फोर्ट्रेस और ये फोर्ट्रेस हमारे पोर्टल के बहुत ज्यादा पास है। उसके बाद हम चले गए नेदर फोर्ट्रेस पे और जल्दी से ब्लेज स्पॉनर को ढूंढ लिया। उसके बाद सभी ब्लेज को मार्क कर हमने बहुत सारे ब्लेज रोड कलेक्ट कर ली। ब्लेज रोड कलेक्ट करने के बाद हम चले गए पासी के मॉब्ड फॉरेस्ट में और वहां से एंडरमैन को मारकर एंडल पर कलेक्ट कर लिया। बहुत सारे एंडोपल कलेक्ट करने के बाद हम आ गए थे अपने बेस में वापस। हमारा आइलैंड के पास में एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ पर शुगर केन है, तो वहाँ से जाकर हमने सभी शुगर केन को कलेक्ट कर लिया। उसके बाद रास्ते में मुझे एक शिपरेक मिली तो वहाँ से भी सभी लूट को कलेक्ट कर लिया। लूट कलेक्ट करने में मेरा ध्यान ही नहीं रहा कि मेरी हेल्थ एकदम लो है, अगर थोड़ी सी भी देरी हो जाती ना तो अपने हार्डकोर वर्ल्ड का यही एंड हो जाता। तो रास्ते में मुझे दूसरी शिपरेक भी मिली और वहाँ से भी सभी लूट को कलेक्ट करने के बाद हम अपने बेस में वापस आ गए। बेस में वापस आकर जल्दी से हमने पोशन ऑफ वीकनेस बनाए और उसकी मदद से हमने सभी विलेजर्स को क्योर कर दिया। तो अभी हमारे विलेजर्स क्योर हो गए थे, तो अभी हम उसके लिए बनाने वाले हैं एक विलेजर ट्रेडिंग हॉल। तो अभी आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करो। उसके बाद बोट की मदद से मैंने सभी विलेजर्स को उसके नए घर में ट्रांसफर कर दिया। तो गाइस बस, और इसी के साथ इस वर्ल्ड में हमने अपने 50 दिन कंप्लीट कर लिए हैं। और आप अभी तक वीडियो देख रहे हो और आपने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से कर दो। अगर आप लोग इस वीडियो में 100 लाइक्स करवा देते हो तो मैं नेक्स्ट पास जल्दी से जल्दी लाऊंगा। और आप सभी लोगों को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया और बाय बाय।